देखेंगे हम लोग किस तरह से आइडेंटिटीज की हेल्प से हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। तो आपको बता दें कि फैक्टराइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा था ग्रुपिंग से और एचसीएफ से। अब हम लोग आइडेंटिटीज की हेल्प से किस तरह से फैक्टराइजेशन। तो अब सबसे पहले आप ये देखिए कि फैक्टराइजेशन है क्या एक्चुअल में। अगर आपका कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना, मतलब दो के प्रोडक्ट की फॉर्म में या तीन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना या दो से ज्यादा कितने भी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना ही फैक्टराइजेशन होता है। तो अब आप देखिए कि आपको इस तरह का अगर क्वेश्चन मिलता है कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर, तो अभी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कुछ आइडेंटिटीज आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए याद कर लीजिए जो आपके क्लास एट के लिए इंपॉर्टेंट है। वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरी है a माइनस बी स्क्वायर और तीसरी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तीन आइडेंटिटीज अगर आप याद करते हैं तो आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो इसका होता है a प्लस बी a माइनस बी। यहां से आपको यही आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी और आपका मिलेगा तो a माइनस बी बट ये आइडेंटिटी आपको क्वेश्चन इस तरह से आपको दिया होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इस फॉर्म से आपको ये फॉर्म बनानी पड़ेगी और इस फॉर्म से आपका फाइनल आंसर ये लिखेंगे। इस तरह से a प्लस बी ए प्लस बी, लेकिन आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो अब जैसे पहला क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर, जो आपकी पहले आइडेंटिटी फॉर्म दी गई है उस तरह से ये क्वेश्चन होगा। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर जो है एक्चुअल में यहाँ पर ये a है, तो आपका बन गया एक्स प्लस फोर एक्स माइनस फोर। ये क्वेश्चन आपका इस तरह से होगा। ऐसे ही अगर आप और क्वेश्चन देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको मिलता है सेकेंड क्वेश्चन इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, ये रहेगा कि आप पहचान पाए कि ये कौन सी आइडेंटिटी है आपकी। तो आप देखिए कि ये टू एक्स आपको देखना रहता है कि टू ए बी आपका बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए वन। तो ये आपकी आइडेंटिटी बनी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। और आपको इसको फैक्टराइज करके लिखना है एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन। इस तरह से ही एक तीसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो आप इस तरह से देख सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं और वो है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस, और यहाँ पे माइनस फोर एक्स ले लीजिए तो माइनस की आइडेंटिटी का बन जाएगा। तो यहाँ से लेते हैं तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर, और ये आप देखिए ये है टू का स्क्वायर और यहाँ पर आएगा माइनस टू ए बी, यानी कि टू इंटू एक्स। तो ये आपका बना एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, जो कि होता है एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू। दोबारा आप लिख देंगे। तो इस तरह से आइडेंटिटीज बेस्ड में आपको तीनों आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए और आपको क्वेश्चन से आपको फॉर्म करना है इस फॉर्म में और फिर फाइनली आप आंसर अपना लिख सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग अब एक बुक आर एस अग्रवाल आप लोग अच्छे से जानते होंगे उस बुक से लेंगे, उसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम लोग अब सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आइडेंटिटीज कैसे लगाते हैं और किस तरह से इसके क्वेश्चंस आपके पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अगर आपको इनकी कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि तीन क्वेश्चन आपके सामने आपके बोर्ड पे आपको दिख रहे होंगे। इन तीन क्वेश्चंस को उन तीनों आइडेंटिटीज की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि तीनों में प्लस है, यानी कि आइडेंटिटी बनेगी आपकी a प्लस b का होल स्क्वायर। बट कैसे बनाएंगे, सबसे मेन बात यहाँ पर ये आती है, पहले आपको ए स्क्वायर दिख रहा है नो प्रॉब्लम, दूसरा आप इस तरह से बनाएंगे ये नाइन है तो नाइन थ्री ए स्क्वायर। बस आप इन दोनों को देखिए, इन दोनों को आप देखिए और टू इंटू ए बी लिख दीजिए। अगर आपका ऊपर सेम बन जाता है तब तो ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं होगा, फिर आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। तो आप देखिए टू इंटू पहले एक्स लिखिए फिर थ्री ए लिखिए। अब आप चेक करिए कि क्या ये सिक्स है और ये दोनों बराबर है। अगर ये बराबर है इसका मतलब आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स प्लस थ्री ए का होल स्क्वायर। और आप इसको दो बार फिर लिख देंगे एक्स प्लस 3a और x प्लस 3a। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से ही यहां पर आप देख सकते हैं 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 1। हैव यू एनी क्वेश्चन?
ओके, 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि 1 पे अगर स्क्वायर नहीं है उसके कट उसके बाद भी आप मान सकते हैं कि स्क्वायर है, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो यहां से आप देखिए a प्लस b का स्क्वायर, यानी कि एक बार a प्लस b, आप एक बार प्लस में लिखेंगे 1 और एक बार आप माइनस में लिखेंगे, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इस तरह से ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। आप इसमें भी जो मैंने जैसे बताया था कि आप ए बी स्क्वायर लिखिए, इस तरह यहाँ से बी सी स्क्वायर लिखिए, फिर बिना कुछ सोचे हुए 2ab, मतलब ये दोनों ही लिख दीजिए 2 इंटू, यहां से आप देखिए ए बी इंटू 3c। अगर आपको ये मल्टीप्लाई करने में यही आ रहा है, इसका मतलब आप जो बनाने की कोशिश कर रहे थे वो बिल्कुल सही है और आप लिख सकते हैं इसको ए बी माइनस 3c का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका ab माइनस 3c और दोबारा भी आप लिख सकते हैं ab माइनस 3c। तो ये था इस वीडियो में आइडेंटिटीज की हेल्प से सॉल्व करना फैक्टराइजेशन। आपने अच्छे तरीके से सीख लिया होगा, कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा और उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई और आप समझ पाए फैक्टराइजेशन, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।